बोलने के पहले बिल्कुल सोचते नहीं हो ना? सच बोलने के पहले सोचने का क्या? सोचना पड़ता है। मैं इक्ष्वाकु वंशज राघव आपकी छाती में ब्रह्मास्त्र काटने के लिए विवश हूँ। तो फाइनली दोस्तों, इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द बिग बजट फिल्म आदि पुरुष आज इंडियन बॉक्स ऑफिस के साथ साथ दुनिया भर में 12 दिन पूरे कर रही है, और इन 12 दिनों में इस फिल्म का जो कलेक्शन है वो कितना हो चुका है ये इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। साथ ही साथ इंडियन बॉक्स ऑफिस पर चल रही बॉलीवुड की फिल्म 1920 हॉरर्स ऑफ हार्ट जरा हटके जरा बचके के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में हम बात करने वाले हैं, और इस हफ्ते रिलीज होने वाली सत्य प्रेम की कथा की जो एडवांस बुकिंग है वो कितने करोड़ की हो चुकी है, और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ की ओपनिंग ले सकती है ये भी इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप भी इन फिल्मों का इंतजार बेसब्री से कर रहे थे, बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट चाहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं इंडियन बॉक्स ऑफिस पर हफ्ते ही रिलीज होने वाली फिल्म 1920 हॉरर्स ऑफ हार्ट के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, जो कि दोस्तों एक हॉरर थ्रिलर फिल्म है, और इस फिल्म के लीड में आपको अविका गौर नजर आई है। दोस्तों बताते चले आपको कि कृष्णा भट्ट के डायरेक्शन में बनने वाली ये फिल्म इस हफ्ते ही 750 स्क्रीन पर रिलीज की गई थी, जो की दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले वीकेंड में एक रेस्पेक्टेबल टोटल लेने में कामयाब रही है, और दोस्तों ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक हिट फिल्म साबित होती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताते चले कि इस हॉरर थ्रिलर फिल्म को ऑडियंस की तरफ से अच्छा रेस्पॉन्स मिलता हुआ नजर आ रहा है, और यही वजह है कि इस फिल्म ने जहां अपने पहले दिन 1,48,00,000 रुपए हिंदी नेट बॉक्स ऑफिस पर कमाए, दूसरे दिन दोस्तों इस फिल्म के कलेक्शंस में लगभग 30% की ग्रोथ देखी गई, और इस फिल्म ने 1,85,00,000 रुपए कमाए। तो वहीं दोस्तों अपने तीसरे दिन इस फिल्म के कलेक्शंस 2,10,00,000 रुपए के हिंदी में रहे। इस तरह से दोस्तों यह फिल्म शुरुआती 3 दिनों में 5,42,00,000 रुपए की कमाई हिंदी बॉक्स ऑफिस पर कर चुकी थी, जबकि दोस्तों इस फिल्म को तेलुगु और तमिल में भी रिलीज किया गया था, और तेलुगु और तमिल में भी इस फिल्म को अपने पहले, दूसरे और तीसरे दिन काफी अच्छा रिस्पांस मिला। शुरुआती 3 दिनों में दोस्तों इस फिल्म ने इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर जहां लगभग 7.5 करोड़ रुपए कमाए हैं, तो वहीं दोस्तों दुनिया भर में यह फिल्म 9 करोड़ रुपए कमाने में कामयाब रही है। लेकिन अगर बात की जाए इस फिल्म के विगडेज के बॉक्स ऑफिस की, तो दोस्तों बताते चले आपको कि कल इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर चौथा दिन था, कल भी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 1,05,00,000 रुपए कमाए हैं। तो वहीं दोस्तों ये फिल्म आज अपने 5वें दिन भी 1,10,00,000 रुपए की कमाई कर रही है। ऐसे में दोस्तों इस फिल्म का जो टोटल कलेक्शन वो हिंदी में 7.5 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुका होगा। वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों ये फिल्म 13 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच कर चुकी होगी, और बॉक्स ऑफिस पर फिलहाल में एक हिट ट्रेंड कर रही है। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर दूसरी फिल्म यानी कि दोस्तों जरा हटके जरा बचके के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, तो दोस्तों बताते चले आपको कि जरा हटके जरा बचके एक फैमिली कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसके लीड में आपको विक्की कौशल और सारा अली खान लीड करती हुई नजर आई है। लक्ष्मण उतेकर के डायरेक्शन में बनने वाली दोस्तों ये फिल्म ऑडियंस को खूब पसंद आ रही है, और यही वजह है कि ये फिल्म दोस्तों अपने चौथे हफ्ते में भी स्लो होने का नाम नहीं ले रही। अगर बात की जाए इस फिल्म के अभी तक के टोटल बॉक्स ऑफिस की, तो दोस्तों अपने पहले ही दिन से ये फिल्म ऑडियंस का दिल जीत रही है। शुरुआती 3 दिनों के वीकेंड में इस फिल्म ने 22 करोड़ रुपए कमा लिए थे, तो वहीं दोस्तों अपने फर्स्ट वीक में ये फिल्म 35 करोड़ रुपए कमाने में कामयाब रही थी। दूसरे हफ्ते में भी दोस्तों इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिलता हुआ नजर आया, और इस फिल्म ने लगभग 25 करोड़ रुपए अपने दूसरे हफ्ते में भी कमाए। तो वहीं दोस्तों अपने तीसरे हफ्ते में भी इस फिल्म के जो कलेक्शंस थे वो काफी स्ट्रांग रहे। शुरुआती 3 हफ्तों तक दोस्तों ये फिल्म इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर 72 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर चुकी थी, जबकि दोस्तों अपने चौथे हफ्ते की भी शुरुआत इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर स्ट्रांग नोट के साथ की है, और अपने चौथे हफ्ते दोस्तों इस फिल्म के वीकेंड कलेक्शन तीसरे हफ्ते से भी ज्यादा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आदि पुरुष से मिल रहे कंपटीशन के बावजूद भी दोस्तों ये फिल्म अपने चौथे हफ्ते की शुरुआत 1,35,00,000 रुपए से करने में कामयाब रही। दूसरे दिन दोस्तों इस फिल्म के कलेक्शंस अपने चौथे हफ्ते में 2,25,00,000 रुपए के रहे, जबकि दोस्तों इस फिल्म ने इस संडे 3 करोड़ रुपए की कमाई की है। ऐसे में इस फिल्म का जो टोटल कलेक्शन है वो 79 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुका था। कल भी दोस्तों इस फिल्म के कलेक्शंस 1 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच करने में कामयाब रहे, जिससे कि
की ये फिल्म 80 करोड़ रुपए क्लब में शामिल होने वाली लक्ष्मण उतेकर की एक और सुपरहिट फिल्म बन चुकी है। और दोस्तों ये फिल्म आज अपने 26वें दिन भी एक बार फिर से 1 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर रही है। ऐसे में दोस्तों इस फिल्म का टोटल 81 करोड़ रुपए का इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर हो चुका होगा। 105 करोड़ रुपए दोस्तों ये फिल्म दुनिया भर से कमा चुकी है और विक्की कौशल के लिए एक और सुपरहिट फिल्म बन चुकी है। दोस्तों ये फिल्म जिस तरह की कमाई कर रही है, उम्मीदें हैं दोस्तों कि ये फिल्म 90 करोड़ रुपए की लाइफ टाइम कमाई कर ले, या हो सकता है दोस्तों कि धीरे धीरे ये फिल्म 100 करोड़ के क्लब में भी शामिल हो जाए। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर अब इस हफ्ते रिलीज होने वाली फिल्म सत्य प्रेम की कथा के बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन के बारे में और इस फिल्म से जुड़ी अपडेट्स के बारे में, तो दोस्तों बताते चले आपको कि सत्य प्रेम की कथा जो कि दोस्तों इस हफ्ते रिलीज होने वाली एक लव रोमांटिक ड्रामा फिल्म होने वाली है और इस फिल्म के लीड में आपको नजर आने वाले हैं कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताते चले कि समीर विध्वंस के डायरेक्शन में बनने वाली इस लव रोमांटिक ड्रामा फिल्म का इंतजार ऑडियंस काफी बेसब्री से कर रही है, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म के गाने ऑलरेडी सुपरहिट हो चुके हैं और दोस्तों अब इस फिल्म का ट्रेलर भी ऑडियंस को खूब पसंद आया है। अब दोस्तों इस फिल्म की रिलीज में सिर्फ 2 दिनों का समय और बचा हुआ है और कल से ही इस फिल्म की जो एडवांस है उसे शुरू किया गया है। अगर बात की जाए यहाँ पर इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस की, तो दोस्तों बताते चले आपको कि सत्य प्रेम की कथा को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर टोटल 2,000 से 2,200 स्क्रीन पर रिलीज किया जाना है, जिसकी एडवांस कल ही शुरू की गई है। कल की ही डेट में दोस्तों इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से अच्छा रेस्पॉन्स मिलता हुआ नजर आया और दोस्तों PVR, INOX और सिनेपोलिस को मिलाकर इस फिल्म के अभी तक 10,000 से ज्यादा एडवांस में ही टिकट सेल हो चुके हैं, जो कि एक तरह से जबरदस्त रेस्पॉन्स है। यह फिल्म दोस्तों अपनी रिलीज से पहले तक लगभग 35 से 40,000 एडवांस में टिकट बेच चुकी होगी और अपने पहले ही दिन लगभग 3 करोड़ रुपए तक की एडवांस हासिल कर सकती है। इस फिल्म का दोस्तों जिस तरह का बाज ऑडियंस के बीच में बना हुआ है, यूथ ऑडियंस दोस्तों इस फिल्म को देखने के लिए एक्साइटेड है और कार्तिक आर्यन की जो फैन फॉलोइंग है वो भी यूथ के बीच में काफी अच्छी है। यही वजह है कि यह फिल्म अपने पहले दिन 7 से 8 करोड़ रुपए की ओपनिंग लेती हुई नजर आ रही है। तो वहीं दोस्तों अगर इस फिल्म को अच्छे रिव्यूज ऑडियंस की तरफ से मिलते हैं तो अपने पहले दिन के कलेक्शन 9 से 10 करोड़ रुपए के भी आंकड़े को छू सकते हैं। ऑडियंस दोस्तों अगर इस फिल्म को पसंद करती है तो यह फिल्म कार्तिक आर्यन के लिए एक बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हो सकती है, क्योंकि दोस्तों जुलाई में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कोई भी बड़ी फिल्म रिलीज नहीं होने वाली। यही वजह है दोस्तों कि इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रेस्पॉन्स मिल सकता है और यह फिल्म लंबी रेस में कई सारे रिकॉर्ड्स बना सकती है। लेकिन अगर बात की जाए यहां पर अब आदि पुरुष के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, जो कि दोस्तों इंडियन बॉक्स ऑफिस पर काफी नेगेटिव रिव्यूज के बावजूद भी कमाई करती हुई नजर आ रही है और इस हफ्ते भी दोस्तों इस फिल्म के जो कलेक्शन है वो ठीक ठाक आए हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताते चले कि ओम रावत के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म आदि पुरुष, जिसके लीड में आपको पैन इंडिया सुपरस्टार प्रभास, कृति सेनन और सैफ अली खान नजर आए थे, 600 करोड़ रुपए के बजट से बनने वाली इस फिल्म ने दोस्तों इंडियन बॉक्स ऑफिस के साथ साथ दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन तो एक हिस्टोरिकल ओपनिंग ली। शुरुआती 3 दिनों में भी दोस्तों ये फिल्म कई सारे रिकॉर्ड्स बनाने में कामयाब रही, लेकिन दोस्तों उसके बाद इस फिल्म के कलेक्शंस में एक बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला था। लेकिन अगर बात की जाए इस फिल्म के अभी तक के टोटल की, तो दोस्तों बताते चले आपको कि शुरुआती 3 दिनों में 340 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी है। आदि पुरुष ने अपने फर्स्ट वीक में 420 करोड़ रुपए की कमाई दुनिया भर से की थी। ऑडियंस की तरफ से मिल रहे मिक्स और नेगेटिव रिव्यूज के बावजूद भी दोस्तों इस फिल्म ने अपने दूसरे हफ्ते में काफी अच्छी कमाई की और दुनिया भर से 30 करोड़ रुपए कमाने में कामयाब रही है, जिससे कि इस फिल्म का शुरुआती 10 दिनों का जो टोटल कलेक्शन है वो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 450 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच करने में कामयाब रहा, जिसमें दोस्तों ये फिल्म हिंदी बॉक्स ऑफिस पर लगभग 145 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर चुकी थी। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर इस फिल्म के अब विगडेस के कलेक्शन की, तो दोस्तों कल इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर 11वां दिन था। कल इस फिल्म ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 4.5 करोड़ रुपए कमाए हैं, तो वहीं दोस्तों ये फिल्म आज अपने 12वें दिन भी लगभग 4 से 4.25 करोड़ रुपए की कमाई करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में इस फिल्म का जो टोटल है वो 460 करोड़ रुपए का दुनिया भर से हो चुका होगा और दोस्तों आदि पुरुष फिलहाल में एक एवरेज फिल्म बनती हुई नजर आ रही है। अगर दोस्तों ये फिल्म इसी तरह से कमाई करते हुए 500 करोड़ रुपए के क्लब में शामिल हो जाती है तो बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों इस फिल्म को एवरेज का टैग हासिल हो सकता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या आदि पुरुष बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होनी चाहिए, हिट होनी चाहिए या फिर एवरेज ही रहनी चाहिए? हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा और बॉक्स ऑफिस बॉलीवुड और साउथ से जुड़े सभी बड़ी अपडेट्स के लिए आपके अपने चैनल रिव्यू बाजार को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।